ऐसा लोकेशन भाई कभी कभार देखने को मिलता है, यहाँ पे चिल आउट करने के लिए भी आ सकते हो भाई। तो ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, देखते हैं जा पाते या नहीं। और भाई अब कैसा लोकेशन लगा मेरे को ना, क्या ही। गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए गाइस। और मैं आज जा रहा हूँ एक हिडन लोकेशन पे, हिडन लोकेशन को हमारे पास से मैंने मुझे पता ही नहीं है गाइस, किसी को भी पता नहीं है लोकेशन। और ये लोकेशन बहुत ही तगड़ा लोकेशन है गाइस, तो जाएंगे पूरा सा एक्सप्लोर करेंगे क्या है क्या नहीं आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे जाके सूरज भाई को पिक करूंगा, वहाँ पे सूरज भाई वेट कर रहे हैं मेरा, तो सूरज भाई को लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। और क्या से क्या लोकेशन है आप लोग देख लेना। और भाई आज फिलहाल टाइम बच चुका है, 3 बज रहा है, फिलहाल लोकेशन है क्या नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको लोकेशन कैसा लगा। और ये रही अपनी ब्यूटी, देख सकते भाई ब्यूटी का हालत एकदम गंदी हो चुकी है ब्यूटी, क्योंकि मैंने इसे सीन भी नहीं करा, क्योंकि रीज़न ये है भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इसी के कारण ब्यूटी का भाई हालत देख सकते हो भाई खतरनाक होकर रखा है, देख रहे हो। तो देखते इसे कल मैं चेंज कर दूंगा। और फिलहाल चलते हैं भाई सूरज भाई के पास। और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ सूरज भाई को लेने के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया पहले सूरज भाई को पिक करते हैं भाई, और इसके बाद अपने जिस लोकेशन पे जाने के लिए निकले हैं आज घर से, उस लोकेशन पे जाएंगे भाई। वो लोकेशन तो भाई तबाही वाला लोकेशन है भाई, क्या से क्या सीन रहेगा भाई, नेक्स्ट लेवल वाला भाई रहेगा। फिलहाल तो 3 बज चुका है और भाई वेदर भी एक नंबर है, आज बारिश वगैरह का था, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था आज, इसी कारण मैं सुबह सुबह नहीं निकला था, तो सीधा भाई इवनिंग ही निकलते थोड़ा भाई अच्छा रहेगा, ड्राइव राइड करने में भी सही लग रहा है। और फिलहाल भाई एक नंबर वेदर है, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी टाइप वेदर हो गया, ऐसा धूप भी नहीं है भाई, सही लग रहा है। और बारिश भी फिलहाल नहीं है, तो भाई सही भाई पा रहा है, सही वाला भाई पा रहा है। और भाई चलो भाई नीचे, और भाई नीचे देखो भाई सही लग रहा है। लेकिन यार जिस रूट पे जाने वाला हूँ ना, उस रूट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक दिन में गया था छोटा मोटा, फिर चलो घूम गया था, सुनील भाई भी साथ था। और भाई यार कैसा लोकेशन लगा मेरे को ना, क्या ही बोले, एक नंबर लोकेशन लगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए प्रॉपर ब्लॉग बना दिया था, मुझे बोलो भाई एकदम सही लगा लोकेशन, तो आप लोग कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई चलो भाई जाके दिखाते हैं भाई एकदम। चुका हूँ सूरज भाई के पास, और है सामने सूरज भाई, भाई सूरज भाई को लेते हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हो यार हमारे सूरज भाई, तो चलो भाई सूरज भाई को यहाँ से लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं जाके लोकेशन पे। तो भाई सूरज भाई मेरे बाइक के पीछे फिलहाल बैठे हुए हैं, और भाई हम लोकेशन के लिए निकल गए हैं, चलो भाई लोकेशन पे चलते हैं भाई और दिखाते हैं आप लोग लोकेशन पे। तो भाई ये रहा वो रोड, जिस रूट से जाने के बाद हमें लोकेशन मिल जाएगा, तो भाई सामने ही है, थोड़ा दूर नहीं है। तो भाई चलो भाई चलो चलो लोकेशन पे भाई, सामने है गाइस, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, आ ही चुके हैं भाई हम, देख सकते हो भाई सामने का एक बार सीन देखो भाई, सामने का सीन देख रहे हो भाई, क्या ही खतरनाक लोकेशन है भाई यहाँ का, मुझे तो भाई एक नंबर लगा भाई यहाँ का लोकेशन भाई, देख सकते हो भाई वो पी लेवल का लोकेशन है भाई। और अंदर चलते हैं, जाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं भाई, देखते हो इस साइड पे भाई टी गार्डन, क्या ही मस्त लोकेशन है भाई, यहाँ पे चिल आउट करने के लिए भी आ सकते हो भाई, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद भाई। तो भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा। और भी आगे चलते हैं भाई, और भी आगे तगड़ा तगड़ा लोकेशन है भाई, और भी आगे सुंदर सा लोकेशन है भाई, चलो चलते हैं, देख रहे हो भाई कभी तगड़ा वाला लोकेशन है भाई, कभी तगड़ा भाई, देखो एक बार इस साइड से देखो भाई क्या ही तो करना है, अगर वहाँ ऊपर जा सकते तो भाई बहुत ही सही वाला भाई बात है ऊपर जाने के बाद, देखते हैं भाई ऊपर जा पाते हैं, ट्राई करेंगे एक बार ऊपर जाने की। टी गार्डन ही टी गार्डन है भाई, तो भाई एक नंबर ही वाला था, तो भाई टी गार्डन है यहाँ पे भाई, एक नंबर वाला लोकेशन है यहाँ पे, मुझे तो भाई एकदम सही लगा यहाँ पे। गाइस देख सकते हो भाई हम आ चुके हैं अपने लोकेशन पे, जहाँ पे आने की बात कर रहा था मैं भाई, एक देख सकते हो भाई क्या ही खतरनाक भाई, देख रहे हो मेरे पीछे भाई क्या ही खतरनाक लोकेशन है भाई, मुझे तो भाई एक नंबर लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एकदम सही लेवल का भाई बार है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का भाई बार है, एकदम चिल आउट शांति भाई,
कोई भी साउंड नहीं, शोर शराबा कुछ भी नहीं, एकदम शांति भाई, सही लग रहा है भाई। और यह अपने सूरज भाई फोन पे लगे हैं, अपने देख सकते हो अपनी ब्यूटी यहाँ पे है भाई। यहाँ का लोकेशन भाई, सीन देखो भाई, कोई भी नहीं, देख रहे हो भाई कोई भी नहीं है, और शांति एकदम, क्या ही सीन है भाई। तो ऊपर जाने की ट्राई करेंगे, देखते हैं जा पाते या नहीं। तो ओ भाई चलो, तो भाई हम इस रास्ते से होए जा रहे हैं फिलहाल अभी। ओ भाई साहब, ओ भाई भाई भाई, हमें ऊपर चढ़ना है गाइस, तो इसीलिए भाई इस रास्ते से जा रहे हैं फिलहाल, और ऊपर जाना है भाई, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, तो जाएंगे ज़रूर। तो भाई देखते हैं भाई, भाई साहब फिसल रहा है भाई। ओ भाई भाई आए हैं तो भाई ऊपर तो ज़रूर जाएंगे भाई। तो भाई देखो भाई, इस रास्ते पे हम आए हैं फिलहाल अभी, इस रोड से यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आए हम, और हमारा ब्यूटी यहाँ पे है अभी। तो चलो भाई हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्या सीन है क्या नहीं आप लोग को दिखाते हैं भाई। चलो तो भाई वीडियो को फुल इन्जॉय करो, देख सकते हो हम इस रास्ते से जा रहे फिलहाल। और देखो भाई लोग शायद यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद आप देख सकते हो। और ये रहे भाई हमारे सूरज भाई, आगे आगे जा रहे हैं। और भाई यहाँ का सीन देख रहे हो भाई, यहाँ का सीन भाई एक नंबर है भाई। मैंने बोला था ना ऐसा लोकेशन भाई कभी कभार देखने को मिलता है। तो भाई हम तो रोज देखते रहते हैं भाई, देखो लोग शायद यहाँ पे काम कर रहे हैं। और भाई हम यह इस तरफ देखो भाई, क्या ही ऊपर है भाई, सही लग रहा है देखने में। और भाई यहाँ पे देखो हम यहाँ ऊपर जाने वाले हैं यहाँ पे, तो देखते हैं चलो। तो भाई देख सकते हम कहाँ से जा रहे हैं फिलहाल अभी, कहाँ क्या क्या करना पड़ रहा है भाई यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। भाई देखो भाई सही लेवल का भाई, यहाँ पे नेक्स्ट वाला वाइब है भाई। लेकिन भाई जाऊंगा ऊपर, मैंने बोला है भाई, तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। देख सकते भाई सूरज भाई कैसा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, सही लग रहा है। तो भाई देखो भाई यहाँ का सीन भाई, सामने देखो भाई, चलो भाई और आगे चलते हैं भाई। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे काम चल रहा है अच्छे तरीके से, देख सकते हो भाई पूरा फुल पावर काम चल रहा है यहाँ पे, क्लीन चल रहा है फिलहाल यहाँ पे, और भी पूरा क्लीन चल रहा है, क्लीन देख सकते हो भाई। बोलो हंसो कहाँ चले, ठीक है भाई यहाँ का सीन चेक करें भाई, भाई देख रहे हो क्या तगड़ा लोकेशन है भाई, वहाँ पे देख एक नंबर सीन भाई, यहाँ पे क्या सीन है भाई, सही लग रहा है भाई यहाँ पे आने के बाद। आज सीन देखो भाई यहाँ का, क्रेजी 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 भाई, क्या ही सीन है भाई, भाई क्या ही सीन है भाई यहाँ का, भाई भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है, मुझे तो एकदम सही लग रहा है भाई। मेरे घर के सामने ऐसा वाला लोकेशन है, मुझे पता भी नहीं है, आई डोंट नो भाई क्यों पता नहीं था इतने दिनों से भाई, चिल आउट, इतना चिल आउट लोकेशन है भाई, क्या ही बोले। और भी मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, और भी ब्लॉग्स आएंगे यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरा प्लान अभी भी दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत कुछ क्रिएटिव करने की ट्राई करेंगे यहाँ का। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, पूरा हालत ख़राब हो चुका है, बहुत ही ऊपर आया हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ का भाई सीन भाई देखो भाई, सिर्फ जस्ट वाओ, जो सूरज भाई की वजह से ये वाला लोकेशन मुझे मिला है, तो थैंक यू सूरज भाई, भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आपकी वजह से ये वाला लोकेशन मुझे देखने को मिला है भाई। भाई क्या ही लोकेशन है भाई, थैंक यू भाई, क्या ही सीन है भाई, देख क्या ही सीन है भाई, हमारे घर के पास भाई, हमारे घर के पास ही ऐसा वाला सीन रहता है, मुझे आई डोंट नो भाई, मुझे कोई पता बिलीव भी नहीं हो रहा है भाई, क्या सीन है भाई, मुझे तो पता भी नहीं है भाई। और भी आने वाला भाई, मेरे दिमाग में भाई कुछ चल रहा है, नेक्स्ट लेवल वाला आइडिया कुछ करने की, यहाँ पे आने के बाद क्रिएटिव कुछ सोच रहा हूँ, तो देखते हैं क्या कर पाता हूँ। और फिलहाल गर्मी भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो भाई सूरज भाई भी हम मेरे गोप्रो से शूट करने वाले, थोड़ा सा उनको भी देंगे गोप्रो तो से, तो पहले हम शूट कम्प्लीट कर लेते हैं, इसके भाई बाद सूरज भाई को भी दे देंगे गोप्रो, थोड़ा सा शूट करेंगे वो, इसके बाद मुझे दे देंगे। और यहाँ पे गई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन भाई गर्मी क्या चीज़ है भाई, इन सब चीज़ों के सामने देख रहे हो गर्मी कुछ भी नहीं है भाई इन सब चीज़ों के सामने। तो भाई आप लोग यहाँ वहाँ का सिनेमेटिक्स थोड़ा बहुत इन्जॉय करो, तब तक हम यहाँ पर बैठते हैं थोड़ा, और बहुत ज़्यादा थक गए हुए ऊपर आते थे, बहुत ही ऊपर आ चुके हम, और सूरज भाई से भी थोड़ा बैठ के हम दोनों भाई यहाँ पे थोड़ा बातचीत करते, तब तक आप सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, ठीक है भाई सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, इसके बाद मिलते हैं आपसे, चलो।
का सीन भाई ओपी लेवल है भाई, ओपी लेवल का है सीन। यहाँ का सीन क्या ही बोलो, मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों से, बिलीव नहीं हो रहा था यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है भाई। क्या ही क्रेजी क्रेजी सीन है भाई। एक बार चेक करो इस साइड पे, देख रहे हो भाई इस साइड पे सीन भाई, क्या खतरनाक सीन ओपी ओपी भाई। मुझे तो भाई एक नंबर लग रहा है भाई अभी भी यहाँ पे, क्या ही है मेरे का। सही लग रहा है ना, बताओ। सुंदर से लोकेशन का भी टाटा भाई कहते हैं यहाँ से निकल रहे भाई। भाई धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई और गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है, देख सकते हो आप पूरा पसीना पसीना होकर रखा हूँ। तो भाई सूरज भाई भी आगे आगे अपना ब्लॉग शूट करके जा रहे हैं। तो भाई इस सुंदर से लोकेशन टाटा भाई कहते हैं और भाई नीचे जा रहे हैं फिलहाल बाइक के पास। भाई लोकेशन भाई ओपी लेवल का लोकेशन लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा भाई मज़ा है यहाँ पे। मैंने और सूरज भाई ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किया, रील्स भी वगैरह थोड़ा बहुत बनाया है। तो देखते हैं रील्स वगैरह कब तक इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, तो तू इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। और छोटा मोटा थोड़ा बहुत राइड होगा, कहीं पे जाना हो कोई कोई भी राइड हो भाई, संडे को मैं थोड़ा बहुत फ्री रहता हूँ, तो भाई डीएम कर देना अगर किसी के साथ हो सके तो, भाई राइड ज्वाइन कर लूँगा मैं, तो भाई डीएम कर सकते हो इसीलिए भी। और भाई क्या ही करें यहाँ से, हाँ अभी जा रहे फिलहाल, सूरज भाई आगे आगे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना ब्लॉग के एंड कर रहे शायद, और मैं भी यहाँ से भाई निकल रहा हूँ। भाई धूप बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना होकर रखा हूँ। और भाई यहाँ पे मतलब क्या ही बोले, और एक बार मैं आने वाला हूँ, मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे जरूर आऊँगा और यहाँ पे और कुछ थोड़ा बहुत क्रिएटिव करने की ट्राई करूँगा यहाँ आने के बाद। तो भाई क्या ही कर सकते भाई, यहाँ से निकल रहे हैं अभी फिलहाल, तो भाई चलो सामने चलते हैं और जाके कुछ खाना पीना करते हैं भाई। तो भाई आज की ब्लॉग को ही एंड कर देते हैं क्योंकि और ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ भाई क्या करें सब कुछ तो दिखा दिया भाई। तो गाइस फाइनली भाई किंतु बहुत मेहनत कर रहा है, तो भाई को चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर दो, तरतरी 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। भाई का चैनल का नाम एस डी सूरज भाई, भाई को भी जाओ मेरे चैनल से अगर कोई देख रहे हो भाई को, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, समझ रहे हो भाई मेहनत तो फुल पावर चल रहा है, तो सपोर्ट करो और क्या ही करें आप लोगों के ऊपर सब कुछ है भाई। 100 क्रॉस कर दिया मेरे सब्सक्राइबर, तो भाई थैंक यू, जल्दी से क्रॉस कर दो भाई, थैंक यू आप सबको। तो भाई 200 क्रॉस करवा दो भाई जल्दी से, 1K भाई जल्दी करवा दो भाई, 1K भी करना है जल्दी से। और राइड्स भाई, बाइक का भी बाइक आने वाला है रिसेंटली, देखते हो जल्दी शायद दुर्गा पूजा के आसपास आ जाएगा बाइक का बाइक, लॉन्ग राइड होने वाला है, समझ रहे हो भाई। बाइक आने के बाद बहुत क्रेजी लेवल का सीन होने वाला है, और अभी भी तवाही तवाही ब्लॉग आएगा सामने, देखते हैं क्या सीन रहता है। बाइक का चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके रखो बाइक को भी, सब्सक्राइब करना बाइक का चैनल एस डी सूरज, सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को भी कर देना भाई, अगर क्या भाई कर लो भाई सब्सक्राइब, समझ रहे हो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे किसी अच्छे से मस्त ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सुरक्षित रहो घर में रहो, और मिलेंगे किसी अच्छे से मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।